हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। बाकी की जो सेक्शन है अप टू 15 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 क्या कहता है, देखिए। इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूअल ऑफ द राइट टू सू, जो इसकी हेडिंग है सेक्शन 16 की, वो आपको बताना चाह रही है कि भैया अगर डेथ हो जाती है उस दिन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ द राइट टू सू, जो आपका एक राइट टू सू, जो एक कॉज ऑफ एक्शन की वजह से आपके पास एक राइट आता है सूट इंस्टीट्यूट करने का, उससे पहले ही आपकी डेथ हो जाती है। सपोज आज आपकी डेथ होगी, 5 दिन बाद आपका राइट टू फाइल ए सूट अराइज होता है, अक्रूज होता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है 5 दिन बाद, ठीक है। तब क्या इफेक्ट होगा वो सेक्शन 16 आपको बताना चाह रहा है। देखिए, वेयर ए पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग, एक व्यक्ति अगर जीवित होता तो हैव ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन, उसका राइट होता सूट इंस्टीट्यूट करने का और एप्लीकेशन फाइल करने का, डाइज बिफोर द राइट अक्रूज, राइट के अक्रू होने से पहले ही मर चुका है आज ए नामक व्यक्ति, आज उसकी डेथ हो जाती है 5 दिन बाद, उसका राइट टू फाइल ए सूट अक्रूज होता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो क्या इफेक्ट होगा। अब अक्रूज से हमें सीधा पढ़ना है, अक्रूज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड कौन है, हमारा वो वाला पर्सन ए नामक व्यक्ति जिसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होने के 5 दिन बाद आपका राइट टू सूट एक्रू हुआ है, अराइज हुआ है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कैपेबल, कैपेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कैपेबल को अंडरलाइन कर लीजिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट। सच सूट कौन सा, जो स्टार्टिंग में हमने बताया राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट, अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो उसका एक राइट बनता था सूट को इंस्टीट्यूट करने का, वही वाला सच सूट अब कौन इंस्टीट्यूट करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस डिसीज्ड के, कब करेंगे, जब वो कैपेबल हो जाएंगे उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, ठीक है। ये तो रही सूट की बात। अब सेकंड बात आती है, वेयर ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन, ये कह रहा है जो राइट टू फाइल ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन वो अराइज ही तब हो रहा है जब वो बंदा मर रहा है, ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन। सपोज ए नामक व्यक्ति आज मर रहा है तो आज ही उसका राइट अराइज हो रहा है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन। देखिए ये क्या बात कहना चाहता है, सब सेक्शन 1 सिंपल सी बात कह रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर जीवित होता तो उसका एक अधिकार था, उसका एक राइट था कि वो एक सूट इंस्टीट्यूट कर सके, वो एक एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट कर सके, बट वो राइट अराइज होता, वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता, वो उससे पहले ही मर गया तो क्या होगा, या उसके मरने के बाद या मरने से ही राइट टू सूट उसका अराइज हो रहा है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, तब क्या इफेक्ट होगा। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ये कहता है अगर वो मर गया कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे उस पर्सन की जगह पे, और जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाते, जब वो कैपेबल हो जाएंगे तब वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कैपेबल वर्ड को हाईलाइट कर रखा है, तो कैपेबल वर्ड के ऊपर आप एक लाइन लिख लीजिए, द वर्ड्स अ पर्सन कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट इन दिस सेक्शन मीन्स ए पर्सन नॉट अंडर सच डिसेबिलिटीज एज आर मैंशनड इन सेक्शन 6। ये कह रहा है कैपेबल का क्या मतलब है कि भैया वो उस डिसेबिलिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए जो सेक्शन 6 में पढ़ी थी हमने, माइनर है, इडियट है या इनसेन है, वो डिसेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कैपेबल मान लेंगे, ठीक है। और सिर्फ एग्जिस्ट करना लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, डिसीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, वो सफिशियंट नहीं है आपका इस सेक्शन के अंदर, बल्कि वो कैपेबल भी होने चाहिए आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया होगा। सबसेक्शन 1 प्लेंटिव से डील करता है, सबसेक्शन 2 देखते हैं हम।
देखिए सबसेक्शन टू क्या कहता है आपका, वेयर ए पर्सन अगेंस्ट वोम, अगेंस्ट वोम की बात आ गई तो मतलब डिफेंडेंट है अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, अगेंस्ट को अंडरलाइन करके लिख लीजिए डिफेंडेंट, इफ ही वर लिविंग ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट, अगर वह जीवित होता वो डिफेंडेंट, ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव अक्रूड डाइज बिफोर द राइट अक्रूज, उसके मरने के बाद वो राइट टू राइट अक्रू हुआ है जो उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है, और वेयर ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन अक्रूज ऑन द डेथ ऑफ सच पर्सन, किसी भी पर्सन के खिलाफ एक राइट टू इंस्टीट्यूट अराइज होता है उस पर्सन की डेथ के ऊपर, आज मर गया उसके अगेंस्ट सूट फाइल करने का आज ही एक राइट अक्रू हो गया, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, यहाँ डिसीज्ड कौन है आपका डिफेंडेंट, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे अगेंस्ट वोम द प्लेंटिफ मे इंस्टीट्यूट सच सूट और मेक सच एप्लीकेशन। देखिए सब सेक्शन टू बिल्कुल सिंपल बात करता है, सब सेक्शन टू बात करता है आपकी डिफेंडेंट की, ये कह रहा है भैया जिस पर्सन के अगेंस्ट हमें सूट इंस्टीट्यूट करना था, ठीक है, और वो जो इंस्टीट्यूट करने का जो हमारा राइट था वो कब अराइज हो रहा है, उस पर्सन के मरने के बाद, ठीक है, तो हम कब फाइल करेंगे जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफेंडेंट, और दूसरी बात कहता है एक पर्सन को सूट इंस्टीट्यूट करना था उसका राइट कब अराइज हो रहा है, जब डिफेंडेंट की डेथ हो रही है, अब डिफेंडेंट की डेथ होगी तो कब इंस्टीट्यूट करेंगे हम, जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यहाँ पे डिफेंडेंट के केस में कैपेबल की बात नहीं है, सिर्फ मियर एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज सफिशियंट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16, सिर्फ और सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव का होना ही काफ़ी है, कैपेबल आपका सबसेक्शन 1 में होना चाहिए सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, बट डिफेंड करने के लिए सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो भी सफिशियंट है। सबसेक्शन 3 देखिए, नथिंग इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, देखिए बेर पढ़ने का कितना ईजी तरीका है आप समझिए, नथिंग इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो भी हमने पढ़ा उसको हम कुछ भी नहीं मानते, नथिंग इन सबसेक्शन 2 उसको भी हम कुछ नहीं मानते, अप्लाइज टू सूट टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, ये कह रहे भैया सबसेक्शन 1 में जो बात हमने पढ़ी, सबसेक्शन 2 में जो बात हमने पढ़ी वो अप्लाई नहीं होएगी जहाँ कहीं आप सूट फाइल करेंगे टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन के अगेंस्ट सबसेक्शन 1 आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए, और टू सूट्स फॉर द पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जहाँ आप सूट फाइल कर रहे हैं पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ा था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी पढ़ा था, सेक्शन 5 में पढ़ा था, और ऑफ ए हेरिडिटरी ऑफिस, 3 एक्सेप्शन है इसके, प्रीएम्पशन सूट, पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ए हेरिडिटरी ऑफिस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था सेक्शन 16, फर्स्ट वाला प्लेंटिफ का, सेकंड वाला डिफेंडेंट का, थर्ड वाला एक्सेप्शन है, ठीक है गाइज। और इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए, सेक्शन 16 अडॉप्ट्स द जनरल प्रिंसिपल दैट लिमिटेशन कैन नॉट रन अनलेस देयर बी ए पर्सन हु कैन सू और हु कैन बी सूड, सिंपल सी बात कहता है भैया सेक्शन 16 ये कहता है लिमिटेशन टाइम पीरियड जब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कोई बंदा जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है और जिसके द्वारा करना है वो अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा डाइज बिफोर, बिफोर की बात करता है, अगर यहाँ आफ्टर वर्ड लिखा होता कि भैया कॉज ऑफ एक्शन तो राइज हो गया है आज के दिन, 5 दिन बाद मैं मर जाता हूँ, तो क्या फिर भी सेक्शन 16 अप्लाई होगा, नहीं, फिर सेक्शन 9 आ जाएगा भैया। सेक्शन 9 क्या कहता है, अगर एक बार टाइम पीरियड आपका चलना स्टार्ट हो गया तो फिर वो नहीं रुकेगा, सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी एनी डाउट किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, लॉ के कितने भी सब्जेक्ट हो, किसी भी रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो हमारा चैनल है लीगल पाठशाला का उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी हर चीज़ की, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम जो हमारा पेज है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, प्रिपरेशन कीजिए अच्छी वाली, जज लग जाएंगे आप सारे के सारे, ठीक है गाइस,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 17 के साथ. बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू, गुड लक एंड होप फॉर द बेस्ट. बाय.